हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। क्लास फोर, एक्सरसाइज 7.1। स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर वन, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट, जो भी है आपको खाली स्थान दिए गए हैं, आपको इन्हें फिल करना है। स्टूडेंट, जो भी डिवाइड होता है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ विशेषताएँ होती हैं। तो स्टूडेंट, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने आपको डिवाइड की जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में समझाया गया था, उनकी जानकारी दी थी आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें, ठीक है जी। तो फिर आपको उसे समझने के बाद में आपको इन्हें डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं रहने की, आप बिना डिवाइड के ही इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए, अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट जो आंसर आएगा तो वही नंबर आएगा जिसे हमने डिवाइड किया। तो हम 235 को 1 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आंसर भी 235 ही आएगा। ठीक है जी। अगर स्टूडेंट हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और सेम का सेम नंबर हमारा आंसर आता है तो स्टूडेंट आप पहले वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपने इसे 1 से डिवाइड किया, इस नंबर को आंसर यही नंबर आ गया। तो स्टूडेंट इसमें हमें यह नहीं पता हमने किससे डिवाइड किया और आंसर सेम नंबर आ गया, तो इसका मतलब हमने इसे 1 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो स्टूडेंट तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, तो हमने इसे 1 से डिवाइड किया तो आंसर सेम का सेम आ गया, ओके जी। अब सी वाला, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो स्टूडेंट अगर दो नंबर हैं, अगर हम उन्हें सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर रहे, मान लीजिए आप 45 को 45 से डिवाइड कर रहे हैं या 350 को 350 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर हमेशा स्टूडेंट 1 ही आएगा। ये आप बातें याद रखने की है, तो आप यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आपने देखा दो सेम नंबर थे, ये इन्हें हमने डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया। और जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें भी आंसर 1 आ रहा। तो स्टूडेंट ये जो नंबर है जिससे हमने डिवाइड करा, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसी नंबर को डिवाइड किया, ठीक है ना। जब तो आंसर 1 आएगा जब सेम नंबर होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3852, यानी कि 3852 को आपने 3852 से डिवाइड किया, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आप देखिए यहाँ 1 से डिवाइड किया और ये आंसर आ गया। हमें पता है कि अगर हम 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर वही नंबर आएगा जिस नंबर को हमने डिवाइड किया, तो स्टूडेंट आंसर ये नंबर हो जाएगा 8346, ठीक है जी। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। स्टूडेंट आपको इन्हें डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद आपको जो इनका भागफल आएगा वो और जो रिमाइंडर इनके शेषफल बचेगा वो लिखना है, प्राप्त करना है, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट, डिवाइड करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। स्टूडेंट हम डिवाइड करते रहेंगे और उनके बारे में आपको बताते हुए चले जाएंगे। आप ध्यानपूर्वक एक दो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझें और सुने, ठीक है जी। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए। स्टूडेंट डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको 11 का टेबल आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपसे 11 का टेबल नहीं आता
तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है जी। वैसे स्टूडेंट हमने वन टेबल थ्री मेथड, यानी कि एक टेबल को हम तीन प्रकार से किस प्रकार बना सकते हैं, ऐसी कई वीडियो बना के डाल रखी है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वहाँ से भी मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप टेबल बनाना सीख लीजिए। आप पहले सबसे पहले रफ कॉपी पे टेबल बना लीजिए और उसके बाद वहाँ से देख देख के आप अपने जो डिवाइड का क्वेश्चन है उसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप टेबल याद कर लें, तो टेबल अगर आपके याद है तो आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर पाएंगे, नहीं आप टेबल बनाएंगे तो उसमें भी आपको वक्त लगेगा ही। तो स्टूडेंट अब हम देखिए, हम आप यहाँ पे एक गैस कर सकते हैं कि 11 का जो टेबल है वो कितनी बार अप्लाई होगा। ओके स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ फर्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ 3 है स्टूडेंट, यहाँ 11 है। अगर यहाँ पे कम है तो टेबल अप्लाई नहीं हो सकता, जो बराबर में डिजिट होती है उसे हम उसके साथ पेयर बनाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ 4 को मिला लिया, 34 हो गया, अभी 11 से अधिक हो गया। तो स्टूडेंट हमेशा अधिक पे ही टेबल अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो भी यहाँ डिजिट है उससे यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए। स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि हम 5 को भी मिला लेंगे, जितने की हमें आवश्यकता होती है पेयर बनाने के लिए, जितने में अधिक हो जाए उतनी डिजिट को ऐड करते हैं, बाकी की डिजिट को छोड़ देते हैं, ठीक है जी। अब 3 कम थे 11 से तो हमने 4 ऐड कर लिया, तो 34 हो गए स्टूडेंट। अब हम सोचेंगे भाई अगर आप टेबल बना रहे हैं तो उसमें देख लेंगे यहाँ पे कि भाई आपने कितनी बार चलेगी। अगर आप स्टूडेंट टेबल नहीं बना रहे आप, तो ऐसे ही टेबल आपके याद है तो आप गैस कर सकते हैं कितनी बार चलेगी, टेबल पढ़ के देख सकते हैं। 11 जा 11, 11 टू जा 22, 11 थ्री जा 33, 11 फोर जा 44। तो स्टूडेंट देखिए जहाँ अधिक हो जाए इस बात का याद रखें, देखो 11 फोर जा 44, 34 से अधिक हो गई, हमेशा आपको अधिक देखना है। ये नहीं कि भाई चलो ये तो इसके लगभग हो गए चलो चला लीजिए, नहीं, पहले आप जरूर ये देखेंगे कहाँ कितने नंबर पे अधिक हो गया, है ना। 4 जा अधिक हो गए तो इसलिए हम स्टूडेंट 3 जा चलाएंगे, अगर इक्वल हो जाता इनके 34 हो जाता तो वो सबसे अच्छा था। तो स्टूडेंट ध्यान रखें पहले अधिक देखिए कहाँ अधिक हुआ उससे एक कम चलाएं, नहीं तो आपको आप कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत ज़्यादा कम चला लेते हैं और फिर गलत हो जाता है, इस बात का आलस्य करते हैं कि भाई हम इतना तो चली जाएगी और वो सही गैस नहीं रहता। तो इसलिए स्टूडेंट 4 जा अधिक हो गई तो इसलिए हम 3 जा चलाएंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आपने यहाँ 3 लिख दिया, 11 3 जा 33। अब ये लाइन ड्रॉ कीजिए जहाँ लास्ट डिजिट है वहाँ तक, अब आप इसे माइनस कीजिए। अब आप 4 में से 3 माइनस करेंगे जी 1 बच जाएगा, और 3 में से 3 माइनस करेंगे यहाँ 0 बच जाएगी, है ना। अब स्टूडेंट जो भी आपके पास रिमाइंडर बचेगा, बार बार आपके पास रिमाइंडर बचेगा, तो वो रिमाइंडर आपके डिवाइजर से कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है जी। अगर यहाँ पे आपका 11 ही बच जाता या 11 से अधिक नंबर बच जाता तो ये आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया था, या तो आपने जो टेबल अप्लाई किया वो गलत किया या फिर आपने जो सब्ट्रैक्ट किया वो गलत किया, दोनों में से एक तो गलती है। तो स्टूडेंट ध्यान रखें हमेशा जो आपका डिवाइजर होगा, जो आपका रिमाइंडर होगा, उससे कम ही बचेगा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट जो आपके पास डिजिट शेष बची हुई है उसे आप रिमाइंडर की बराबर में ही ब्रिंग डाउन करेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे लाएंगे तो उसे रिमाइंडर जो बचा हुआ है उसकी बराबर में ही लाएंगे, ठीक है। यानी कि यहीं भी कर लेते हैं या फिर इधर उधर क्यों लाते हैं स्टूडेंट, यहीं जो रिमाइंडर होता है इसकी बराबर में ही क्यों लाता है, क्योंकि 11 जो है वो 1 से अधिक है, तो हमें इस 1 टेबल अप्लाई करने के लिए हमें इससे अधिक चाहिए जो भी नंबर होगा, तो हम इस 5 को 11 के बराबर मिला के इसे 15 करेंगे पेयर बना के। तो स्टूडेंट ये ऐसा अधिक हो गया, अब टेबल अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम जो ऊपर से ब्रिंग डाउन करते हैं वो हमेशा जो रिमाइंडर बचा होता है उसके बराबर में ही करते हैं, ताकि उस पर टेबल अप्लाई हो सके, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट कितना हो गया जी, ये 15 हो गया, 11 बन जा 11,
11 टू जो स्टूडेंट अधिक होगा था, तो स्टूडेंट जो आप यहाँ लिखेंगे, देखो 11 वन जा 11, तो हम वन की मल्टीप्लाई 11 में कर लेंगे तो 11 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम उसे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। अब इन्हें माइनस कर लेंगे, 5 में से 1 माइनस कर दीजिए 4, और 1 में से 1 माइनस कर दीजिए 0। अब जो रिमाइंडर बचा स्टूडेंट देख सकते हैं आप, वो डिवाइजर से आपका रिमाइंडर कम है, ठीक है जी। तो अब ये 4 है, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, जो 8 है उसे ब्रिंग डाउन करके इसकी बराबर में लाएंगे यहाँ पे, तो कितना होगा जी, 48 होगा। अब 11 का टेबल आप 48 पे अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट कितनी बार हो जाएगा, है ना। तो 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, तो 55 तो स्टूडेंट अधिक हो गए, 48 से अधिक हो गए ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम 4 जा चलाएंगे, ठीक है। और 4 जा यानी कि 11 जो भी यहाँ डिजिट होगी उसकी जो जो भी यहाँ लिखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है स्टूडेंट वही यहाँ लिखते हैं और वही टेबल होता है, यानी कि 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, तो 44 आ गया। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे 44 लिख दिया, ठीक है जी। तो स्टूडेंट 8 में से हमने 4 माइनस कर दिया, 4 बच गए। अब स्टूडेंट यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, सेम डिजिट है, तो 0 आ गई। तो स्टूडेंट अब आपके पास ब्रिंग डाउन करने के लिए कोई डिजिट भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे ही सोल्व हो गया, ठीक है जी। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, आंसर क्वेश्चन कितना है जी आपका, हम इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, क्यों उसे लिख लेते हैं स्टूडेंट, ये 4 होगा और रिमाइंडर, ओ एक मिनट, जो क्वेश्चन है जी वो हमारा 314 है, और जो हमारा रिमाइंडर है स्टूडेंट वो हमारा 4 है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, डिवाइड फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर, तो ये हमारा क्वेश्चन होगा, ये हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है जी। होगा ये क्वेश्चन, अब बी वाला देखिए स्टूडेंट, पहले आप 13 का टेबल बना लेंगे। अगर स्टूडेंट आपसे 9 से 20 तक टेबल नहीं आते, है ना, तो हम आपको चलो एक बार बता देते हैं कोई भी टेबल कैसे बनेगा 9 से 20 तक। 9 से 20 तक बनाने के लिए स्टूडेंट जैसे आप 13 का टेबल ही बनाना चाह रहे हैं, आपसे आ नहीं रहा, मान लीजिए आप भूल गए, आपने याद किया, तो आप 10 का टेबल लिख लेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट, आप 10 का टेबल लिख लेंगे, तो स्टूडेंट आपको कोई भी टेबल बनाना है 11 से 19 तक। तो स्टूडेंट इस मेथड से आपको 9 से 11 से 19 तक का कोई भी टेबल बना सकते हैं, उस उन सब के लिए आप 19 का बनाना, 14 का बनाना, 17 का बनाना, 15 का बनाना, 14 का बनाना, कोई भी टेबल आप बनाना चाह रहे हैं स्टूडेंट, है ना, तो सब के लिए आपको 10 का टेबल ही लिखना होगा, ओके स्टूडेंट। अब आपको कहीं का बनाना 13 का, तो आप यहाँ 3 का टेबल लिखेंगे, आपको 15 का बनाना तो आप यहाँ 5 का टेबल लिखेंगे, आपको यहाँ 19 का बनाना तो आप 9 का टेबल लिखेंगे, ठीक है जी। देखिए 3, 6, 9, 12, 15 और जी 18, 21, 24, 27, 30। तो स्टूडेंट हमने क्या करा, ये 3 का टेबल लिख लिया, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, लिख दिया 30 तक। अब क्या करेंगे आप, इन्हें ऐड कर लीजिए, तो स्टूडेंट आप कोई भी टेबल ऐसे बना सकते हैं 11 से 19 तक कोई भी टेबल। देखो कितना टाइम लगा ऐसे बनाने के लिए, है जी, मुश्किल से 1 मिनट का समय लगा होगा, और 13 का टेबल आपका बन गया, इस बात की गारंटी हो जाएगी कि हाँ भाई हमसे टेबल आवे तो हम डिवाइड सही कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप 11 से लेके और 19 तक कोई भी टेबल इस प्रकार बना सकते हैं, ओके स्टूडेंट, ऐसे बनाकर आप कॉपी में लिख लीजिए और आप कॉपी में लिख के वहां से देखकर आप अपना डिवाइड का क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं आप 13 का टेबल आप कितनी बार कितने टाइम पढ़ेंगे, है ना। तो स्टूडेंट आप 5 जा पढ़ सकते हैं, अंदाजा लगा लीजिए। चलो आप टेबल नहीं बनाते, आप मल्टीप्लाई करके टेबल बना रहे हैं, है ना। कितने ही मेथड होता है टेबल बनाने के, प्लस के भी होता है और जी मैजिक टेबल भी होता है और भी होता है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट मान लीजिए आप 5 जा चलाना चाह रहे हैं, ये 67 है स्टूडेंट, इस पर हम ये देखेंगे जहाँ अधिक होगा उससे कम चलाएंगे, ठीक है जी। मान लीजिए आपने सोचा कि भाई मैं तो 5 जा चला रहा, 5 3 15 कैरी 1, 5 5 65 हो गए स्टूडेंट। तो हमने लेकिन रूल क्या है स्टूडेंट, हम पहले अधिक देखेंगे कि कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं उससे कम चलाएंगे। तो 6 3 18 कैरी 1, 6 6 7 7। तो स्टूडेंट 6 ज़्यादा हो गए, 6 कितने हो गए 78 हो गए ना, और तो इसलिए स्टूडेंट हम 5 चलाएंगे, है ना। देखो 5 65 और वे इससे कम भी है, 13 5 65। तो स्टूडेंट इन दोनों की मल्टीप्लाई होगा जो आंसर आ रहा है वही यहाँ पे लिखा जाता है हमेशा, वही टेबल कहलाता है, है ना। 5 से 7 से आपने 5 माइनस कर दिया 2 रह गए, और 6 में से 6 माइनस कर दिया 0 रहेगी। अब देखिए स्टूडेंट 2 बचे और 2 13 से कम है, हमेशा कम ही बचना चाहिए। अब हम ब्रिंग डाउन कर लेंगे 3, तो कितना होगा जी 23। अब तो स्टूडेंट 2 जो तो 26 हो जाएंगे, तो इसलिए 1 चला लेंगे, 1 कितने हो गए 13। अब 3 में से 3 गए 0 और 2 में से 1 गया 1, है ना स्टूडेंट। अब आपके पास क्या बच रहा 1, तो आपने 1 को यहाँ पे ब्रिंग डाउन कर लिया। तो स्टूडेंट कितनी बार चला लेंगे, अब 7 चला लेंगे, 13 7 91, ठीक है जी। 1 में से 1 गए 0, अब यहाँ 10 है, है ना स्टूडेंट, 10 में से 9 गए 1। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन आ गया, ये आपका रिमाइंडर, तो आप लिख सकते हैं आंसर। क्वेश्चन कितना है आपका 570 और रिमाइंडर कितना है जी आपका 10, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप 12 का टेबल आना चाहिए आपसे, है ना। तो स्टूडेंट तो 12 का टेबल आप इसमें अप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट आप 12 का टेबल का भी हम आपको मेथड बता रहे हैं, अगर आपको 12 का टेबल नहीं आता तो आप इस तरीके से 12 का टेबल बना सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप यहाँ पे 2 का टेबल लिख लेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 और स्टूडेंट 20। तो स्टूडेंट ये हमारा 2 का टेबल हो गया। अब जो इसकी 10 वाली प्लेस पे है मैं सबको आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। अब स्टूडेंट याद रखेंगे आपको इसमें 5 और 11 नहीं लिखना, क्या नहीं लिखना, 5 और 11 नहीं लिखना। अब 1 2 लिखते हुए चल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ओ स्टूडेंट आपको 5 नहीं लिखना था, 6 7 8 9 10 11 नहीं लिखना, 12। तो इसमें आपको 5 और 11 छोड़ देना और बाकी काउंटिंग लिख लेनी है। तो स्टूडेंट आप देख रहेंगे आपका 12 का टेबल कंप्लीट है, ठीक है जी। अब आप यहाँ से टेबल से देख के आप लिख सकते हैं, तो देखो ये 68 है, आप देखेंगे भाई यहाँ तो 72 है, ज़्यादा हो गए तो 60 ठीक है। तो कितनी बार है जी 1 2 3 4 5, तो स्टूडेंट आप यहाँ 5 लिख देंगे, 12 5 60, यहाँ पे 8 बच गए, यहाँ 0, ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 4। तो स्टूडेंट देखिए 8 कम था 12 से, हमेशा कम ही बचना चाहिए। अब स्टूडेंट कितना होगा 84 होगा, तो स्टूडेंट ये रहा 84, पूरा का पूरा आ गया 1 2 3 4 5 6 7, 12 7 84, 4 में से 4 माइनस कर दिए 0 होगी, 8 में से 8 माइनस कर दिए 0 होगी, स्टूडेंट आपके पास 3 बच रहा,
आपने इसे ब्रिंग डाउन कर लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 आ गया। स्टूडेंट याद रखें, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वे इसी बात में गलती करते हैं कि उन्हें वो ये नहीं पता चल पाता ऊपर 0 कब ऐड होती है, आंसर में 0 हम कब लगाते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम ऊपर से कोई डिजिट नीचे लाते हैं, ब्रिंग डाउन करते हैं, और उसके बावजूद भी हमारा जो टेबल है जो अप्लाई नहीं होता यानी कि कम रह जाता है, तो स्टूडेंट आंसर में 1 0 लगाएंगे, ध्यान रखें। तो हमने 3 को ब्रिंग डाउन कर लिया, टेबल अप्लाई नहीं हुआ, तो हमने आंसर में 1 0 ऐड कर दी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास उतारने के लिए कुछ भी नहीं है ब्रिंग डाउन करने के लिए, तो हमने ये सवाल यहीं पर कम्प्लीट हो गया। 570 रिमाइंडर हो गया जी आपका 3। ठीक है जी, तो स्टूडेंट 3 क्वेश्चन तो हो गए, 3 और रह गए इसके, उन्हें भी देख लेते हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर डी है स्टूडेंट, ये आपको 26 से डिवाइड करना। तो स्टूडेंट अगर हमसे टेबल नहीं आते तो हम डिवाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते स्टूडेंट, या तो हमसे बनाने आने चाहिए या हमारे याद होने चाहिए, दोनों में से एक शर्त को आपको पूरा ही करना होगा जब आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट देखिए हमने आपको अभी सिखाया था कि 11 से लेकर 19 तक के टेबल बनाने, अब स्टूडेंट अब हम आपको सिखा रहे हैं 21 से और 29 तक के टेबल बनाने। ठीक है स्टूडेंट, इस मेथड से सारे के टेबल बन जाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे आप, कोई जैसे हमने पहले 2 का टेबल लिखा था, अब हम 20 का टेबल लिख लेंगे। ठीक है जी, देखिए पहले 2 का टेबल लिख लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और जी 16, 18 और 20। लेकिन स्टूडेंट हमें क्या का लिखना था, हमें 20 का लिखना था, तो हमने 2 का लिखा, तो हम यहाँ 0 ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा कहीं का टेबल हो गया, ये हमारा 20 का टेबल हो गया। अब हमें कहीं का लिखना है स्टूडेंट 26 का। तो जैसे स्टूडेंट हम पहले लिखते थे, पहले उसमें हमने 13 का टेबल बनाया था स्टूडेंट, तो इसी प्रकार जो भी वंस प्लेस पर डिजिट होगी उसका टेबल हम इसके नीचे लिख के ऐड कर देंगे। अब 6 है स्टूडेंट है, तो हम यहाँ 6 का टेबल लिखेंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और जी 60। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट जी आपका टेबल बनता हुआ चला जाएगा 26, आप इन्हें ऐड कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट देखिए मुश्किल से 30-35 सेकंड लगे होंगे इस टेबल को बनने के लिए, है ना, इतनी देर में ही बन के तैयार हो जाता है। देखिए आपका टेबल कंप्लीट हो चुका है ना, तो आप इसे रफ कॉपी पे अलग से लिख के और यहाँ से देख के अपना आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैं तो इसे क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या है, 5 है, 5 कम है 26 से, तो हम 9 को और मिला लेंगे, 59 हो गए, तो 26 से अधिक हो गए। तो स्टूडेंट हम चला के देख लेंगे, 26 2 जा 52। ओके स्टूडेंट, 3 जा अधिक हो जाएगा, आप चला के देख सकते हैं। अब यहाँ पे बच गए स्टूडेंट 7,
अब 5 में से 5 गया 0, ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 3, तो कितना होगा 73, है ना। अब 2 जाए चल जाएगी स्टूडेंट, फिर दोबारा यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 2। ओके स्टूडेंट, ये माइनस कर लिया, अब आपके पास 7 है, तो आपने 7 को यहाँ ब्रिंग डाउन कर लिया। आप देख सकते हैं 21 रिमाइंडर बचा था हमारा, जो 26 से कम था, और हमेशा कम ही बचना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ हम 8 जा चला लेंगे। 8 जा कौन सी है स्टूडेंट, ये रही। या आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं स्टूडेंट, 8 जा कितनी हो जाएगी, है ना, ऐसे भी देख सकते हैं आप। 6 8 जा 48 4, और 8 2 जा 16 16, और जो 4 20, तो स्टूडेंट ये आ गई, है ना। अब माइनस कर लीजिए, यहाँ हो गए 17 17, में से 8 माइनस कर दिया 9, ये वन ये इधर चला गया था, यहाँ भी 0 रहेगी स्टूडेंट, ये भी 0 रहेगी, तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया आपका, ठीक है जी। और ये आपका रिमाइंडर है जी 9, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आप कोई भी टेबल इस प्रकार बना सकते हैं, और आप कॉपी पे उन्हें लिख सकते हैं, और वहाँ से देख के अपने डिवाइड को आपको लगेगा टेबल बनाने के बाद कि हमारा डिवाइड बहुत आसान हो गया है ना। तो अब आप स्टूडेंट इसे कैसे कर रहे हैं, 15 से 15 2 जा 30 3 जा 45 हो जाएंगे ना, अधिक हो जाएंगे, तो माइनस करेंगे 9 के 9 0 हो जाएगी। ब्रिंग डाउन कर लिया आपने स्टूडेंट 7 7, आपने यहाँ पे ब्रिंग डाउन कर लिया। अब कितनी बार चला रहे 15 6 90, यहाँ पे 7 बच गए स्टूडेंट, 9 में से 9 माइनस कर गए 0 बच गए। अब आपने क्या ब्रिंग डाउन कर लिया 7, तो स्टूडेंट कितनी बार चल जाएगी आप 15 5 जा 75, तो स्टूडेंट 7 में से 5 माइनस कर दिए 2 बच जाए, 7 में 7 गए आपकी 0, तो स्टूडेंट आपका आंसर आ गया 265, और आपका रिमाइंडर आ गया जी 2, ठीक है जी। तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है जी। अब आपको एफ वाला क्वेश्चन करना। अब स्टूडेंट 20 का टेबल लिख के 4 का टेबल लिख के उसके नीचे ऐड करके आपका 24 का टेबल बन जाएगा, ठीक है, जल्दी से आप बना सकते हैं। अब देखिए हम एक गैस करते हैं कि भाई 24 का टेबल कितनी बार हम इस पर अप्लाई करें, 3 जा करें, 4 जा करें, 5 जा करें, तो स्टूडेंट आपको देखना जहाँ अधिक हो जाएगा उससे कम चलाना। तो स्टूडेंट हमने मान लिया कि भाई हम 3 जा चला रहे, है ना, क्योंकि 24 24 24 में 24 ऐड करेंगे 48 हो जाएगा स्टूडेंट। अब 3 एक बार और ऐड करेंगे 24, तो कितना हो जाएगा, तो 3 जा जाएगा, है ना, एक बार ऐड और क्या करेंगे तो 4 जा जाएगा। तो स्टूडेंट हम अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई हम 3 जा चला कर देखते हैं, जो हम यहाँ लिखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो उत्तर आएगा उसे यहाँ लिखेंगे, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 72 हो गया स्टूडेंट। अगर हम 72 में 24 जोड़ेंगे तो 82 से अधिक हो जाएगा, और ज़्यादा चलने की, ठीक है जी। अब 2 से 2 माइनस कर दिए 0, और 8 में से 7 माइनस कर दिए 1, और ब्रिंग डाउन कर लिया जी आपने 6, तो 106 हो गए। अब स्टूडेंट हम इस पर 4 जा चला के देख लेते हैं, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है जी। 6 में 6 माइनस कर दिए 0, अब यहाँ 10 होते हैं जी, 10 में से 1 9 माइनस कर दिया 1। अब स्टूडेंट आपके पास क्या बच रहा है, 4, तो आप इस 4 को यही ले आइए, तो स्टूडेंट ये 106 थे, 104 है, तो यही चल जाएगी। अब माइनस कर लीजिए, यहाँ 15 हो गए 50, यहाँ 14 हो जाएंगे स्टूडेंट, 14 में 6 गए 8 बच जाएगा। अब यहाँ 9 है हो जाएंगे, इधर 9 रह गए थे, 9 में से 9 गए 0,
तो स्टूडेंट इसका भी आंसर आ गया 3-4 क्वेश्चन, 3-4-4 और रिमाइंडर 8। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जी, क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड द फ्लोइंग एंड वेरीफाई द आंसर। स्टूडेंट आपको इन्हें डिवाइड करना और इनका आंसर भी वेरीफाई करना। तो स्टूडेंट वेरीफाई का मतलब है हम इसे चेक कर रहे हैं, जो हम ये क्वेश्चन करेंगे इसे चेक करेंगे ये सही है नहीं है। तो इस प्रकार आप स्टूडेंट कोई भी डिवाइड का क्वेश्चन होता है तो उसे आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट आप इन्हें डिवाइड कर लीजिए पहले, तो यहाँ क्या है 31 है तो 1 से चल जाएगी 25 बन जा 25। तो स्टूडेंट माइनस कर दीजिए क्या रह जाएगा, यहाँ 11 हो जाएंगे, 11 में से 5 माइनस करेंगे 6, यहाँ पे 2 रह गए, 2 में से 2 माइनस कर दिया 0। अब स्टूडेंट ब्रिंग डाउन कर लेंगे आप 7, तो स्टूडेंट अब कितनी बार चला लेंगे 2 जा चला लेंगे 25, 2 जा 50, 7 और 1। तो स्टूडेंट ये तो कोशेंट आगा, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिवाइडेंट है, ये आपका रिमाइंडर है। ओके स्टूडेंट, अगर जो इन्हें वेरीफाई करने का मेथड होता है स्टूडेंट वो होता है डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट आउट प्लस रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखे, जो ये संख्या है ये डिवाइजर है और जिसे हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट वो डिवाइडेंट है, जो आंसर आता है वो हमारा कोशेंट है। स्टूडेंट जो हमारा रिमाइंडर बचता है, शेष भागफल बचता है स्टूडेंट वो ही हमारा रिमाइंडर है। तो स्टूडेंट इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसमें जो रिमाइंडर होता है इसे प्लस कर देते हैं। अगर ये वाली संख्या हमारी आंसर आ जाए तो हमारा सवाल सही है, वेरीफाई है, अदरवाइज स्टूडेंट गलती कर दिया आपने कहीं, दोबारा चेक कीजिए। ठीक है, ध्यान दें जो आंसर है उसे जिससे डिवाइड करा उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें जो रिमाइंडर है उसे ऐड करेंगे, तो ऐड करके जो इस संख्या को हमने डिवाइड किया वही संख्या आंसर आ जानी चाहिए, तो हमारा सवाल सही है अदरवाइज गलत है। तो स्टूडेंट ठीक है जी, तो हम 25 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे जी, 25 टू जा 50 और जी 25 बन जा 25, ये आ गया जी 300। अब इस 300 में क्या करेंगे हम स्टूडेंट 17 ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट देखना देखना 317 था, यहाँ भी 317 ही आ गया। तो स्टूडेंट आपका ये सवाल सही है, वेरीफाई है, ठीक है जी। ठीक है, अब बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये बी वाला क्वेश्चन है जी, ये 21 है कम रहेगा 31 से, तो 9 और ऐड कर लिया 219 हो गया जी, है ना। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे 7 जा चला लेंगे, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21। तो स्टूडेंट अगर हम डायरेक्टली ये चला कर देखें 3 7 21 हो तो इसके लगभग चला गया, तो चल सकती है, तो माइनस कीजिए 9 में 7 गए 2, 1 में 7 गए 0 और 2 में से 2 गए 0। अब ब्रिंग डाउन कर लिया आपने स्टूडेंट 0। अब 0 को ब्रिंग डाउन करने के बाद देखिए स्टूडेंट 31 से अब भी कम है, है ना। अगर ऊपर से कोई डिजिट आप नीचे लाते हैं रिमाइंडर के बराबर में और फिर भी रिमाइंडर आपका डिवाइजर से अधिक नहीं होता तो स्टूडेंट आप आंसर में एक 0 ऐड करेंगे और ये भी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए 70 और 31 की, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 70 का 70 आ जाएगा और 300 और 3 7 जा 21
071 तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट, है ना। अब इसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे 0 को 0, 7 को 9, 1 को 1, 2 को 2। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जो हमारा डिवाइडेड है 2190 है, 2190 यही आ गया जो हमारा बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट सही वेरीफाई कहता है, आप यहाँ लिख सकते हैं वेरीफाई। तो स्टूडेंट आप यहाँ वेरीफाई लिख सकते हैं या चेक भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब स्टूडेंट सी वाला आंसर देखिए, ये 8 है कम है से तो 6 ऐड कर लेंगे, 86 होगा। तो 13 का टेबल पढ़ के देखते हैं कितनी बार चलती है स्टूडेंट, है ना। अगर आप 6 जा चलाओगे 6 1 जा 6, है ना, तो यहाँ 8 के लगभग चला जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो हम यहाँ पे 6 जा चलाते हैं, 13 6 जा 78, यहाँ हो गए 16 में से 8 माइनस कर दिया तो 80 बचेगा ना स्टूडेंट। अब एक इधर के भी चला जाता है, 7 7 7 0, आप देख सकते हैं 13 जो आपका रिमाइंडर बचा वो 13 से कम है। ओके स्टूडेंट, अब आपने प्रिंट डाउन कर लिया 8, तो स्टूडेंट दोबारा भी 6 ही चल जाएगी 78। 8 में से 8 माइनस कर दिया 0, 8 में से 7 माइनस कर दिए 1। अब स्टूडेंट आपके पास 3 बच रहा है, 3 ने आपको आपने प्रिंट डाउन कर लिया। अब 13 7 जा 91, 3 में से आपने 1 माइनस कर दिया 2। अब स्टूडेंट यहाँ 10 है, 10 में से 9 माइनस कर दिया 1, तो ये आ गया थी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 6 6 7 मल्टीप्लाई 13। तो स्टूडेंट 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 6 जा 18, 18 2 20, कैरी 2, 18 3 6 जा 18 2 20। तो स्टूडेंट अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे ऊपर की सेम डिजिट आ जाएंगी। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 12 आपके पास रिमाइंडर ऐसे ऐड कर देंगे, तो स्टूडेंट आप देख लीजिए 8 8 6 6 8 8 3 3, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है आपका डी, अब ये 45 है। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, 40 का टेबल लिखने के बाद 5 के उसके नीचे 5 का टेबल लिख के उन्हें ऐड करके 45 का टेबल ऐड कर बना लेंगे। ऐसे भी आपको पता 45 टू जो 90 हो तो 2 जो चलने की नहीं, 1 जो ही चलेगी। तो स्टूडेंट ये आपके बच गए। अब आप देख लीजिए 45 से कम है, ब्रिंग डाउन कर लेंगे आप 0, तो कितने हो गए स्टूडेंट 330 हो गए। तो स्टूडेंट अब 7 जो चला के देख लीजिए आप, 7 5 जा 35, कैरी 3, और जी 7 4 जा 28 और 331। तो स्टूडेंट 5 इधर 10 हो गए, 10 में से 5 माइनस कर दिए, 5 बच गए, इधर 2 रह गए, 2 में से 1 गए 1 और यहाँ 0। अब स्टूडेंट आपके पास 9 बच रहा है, आप 9 को यहाँ ब्रिंग डाउन कर लीजिए, ठीक है जी। अब आप थ्री जो चला लीजिए, 3 5 जा 15, कैरी 1,
देखो स्टूडेंट ये 50 के करीब है, तो अगर तुम तीजा करेंगे 50 50 50 करेंगे तो 150 के करीब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम गैस कर लेते हैं कि कितनी चलेगी। 3 15 1 और 3 4 12 और 130। तो स्टूडेंट आप माइनस कर लेंगे, आप 9 में से 5 माइनस कर देंगे 4 बचेंगे, और 5 में से 3 माइनस करके 2 बचेंगे, 1 में से 1 माइनस करके 0 बच जाएंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार आपके पास 28 बच गया। तो आप इसे वेरीफाई कर लेंगे, आप 173 मल्टीप्लाई 45। तो स्टूडेंट आपने जो सवाल करा, मान लीजिए आपके पेपर में सवाल आ गया, आप चाहते हैं कि भाई हमारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, तो आप इस प्रकार इन्हें चेक करके देख लेते हैं, चेक करके देख सकते हैं कि आपका आंसर जो आपका सवाल है वो सही हुआ या गलत हुआ, ठीक है जी। 3 5 15 कैरी 1 और 3 7 35 और 136 कैरी 3 और 5 5 और 38। और जो पहली डिजिट होती है आप इसके नीचे क्रॉस लगा लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करता है, 4 3 12 कैरी 1 और 4 5 28 और 129 और 5। स्टूडेंट यहाँ पे 2 लगी थी कैरी 1 नहीं, 5 8 7 7 तो ये आ गया स्टूडेंट। अभी आपके पास 24 है, इसे आप ऐड कर लेंगे, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगी, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। स्टूडेंट आप देख सकते हैं दोनों आंसर आपके सही आ चुके हैं, वेरीफाई हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ई, ये 11 है 33 है, तो स्टूडेंट 3 से चल जाएंगे, 3 में से 3 माइनस कर दिया 0, 3 में से 3 माइनस कर दिया 0, उतार ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 9, और 9 देखिए अगर ब्रिंग डाउन करने के बाद भी टेबल अप्लाई नहीं होता तो स्टूडेंट आंसर में 0 ऐड करते हैं, और फिर ब्रिंग डाउन कर लेंगे आप 9 और 11 9 99। तो स्टूडेंट इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, इसे भी आप वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई आप लिख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 77 डिजिट आएंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे रिमाइंडर नहीं था तो इसलिए ऐड नहीं होने का, 0 को ऐड करके कोई फायदा नहीं है, है ना। तो आप देख सकते हैं आंसर सेम का सेम आ गया आपका, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये एफ वाला क्वेश्चन है, ये 58 है। तो स्टूडेंट पहले आप 50 का टेबल लिख लेंगे, 50 का टेबल लिखने के बाद उसके नीचे 8 का टेबल लिख के ऐड कर देंगे तो 58 का टेबल आपका बन जाएगा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बार चलेगी। स्टूडेंट ये 4 है, ये 57 है, कम है तो 2 को ऐड कर लिया, 42 हो गए, अब भी कम रह गए स्टूडेंट, तो हमने 9 को भी ऐड कर लिया, 429 हो गया, 429 पे चलाना। तो स्टूडेंट हम देखें अगर 6 से चलाएं तो 30 हो जाएगा, आखिर में 3 आएगा, अगर हम यहाँ 7 से चलाएं तो 35 हो जाएगा स्टूडेंट, 35 42 के लगभग सा है, अगर स्टूडेंट 8 से चलाएं तो 40 हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कौन सा चलेगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ 7 से चला के देख रहे हैं, 7 7 49 कैरी 4 और 7 5 35 35 और 4 9 39। स्टूडेंट ऐसे देख सकते हैं आप, सॉरी स्टूडेंट ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 8 था, ये यहाँ 7 नहीं था, डिजिट गलत हो गई, यहाँ पे 8 था। तो आप 7 का चला लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, फिफ्टी सिक्स हो गए, 5 कैरी
35 हो गया, 540 हो गया स्टूडेंट। ठीक है जी, 9 में से 6 माइनस कर दिया 3, और 2 में से 0 माइनस कर दिया 2, और 4 में से 4 माइनस कर दिया 0। तो स्टूडेंट देखिए 23 बचा जो कम है। अब आप क्या करेंगे, ब्रिंक डाउन कर लेंगे आप 6। ठीक है जी, अब आप 4 टाइम चला लेंगे, 4 8 जा 32, कैरी 3, और 4 5 जा 20, और 2 23। ठीक है जी, अब आपके पास क्या बच गया, 400। तो स्टूडेंट अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 74 को वेरीफाई कर लेंगे आप, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 8 जा 32, 3 और 8 संख्या 56 और 3 59। ओके स्टूडेंट, पहले डिजिट के चेक करो, 5 5 4 20 कैरी 2, और 5 समझा 35 और 2 37, 2 9 12 4। तो स्टूडेंट आप 4 आपके पास रिमाइंडर था, इसे भी ऐड कर लेंगे, 6 9 2 4। तो स्टूडेंट आप आंसर मैच कर सकते हैं, ये आंसर और ये आंसर दोनों एक है, तो हमारा सवाल सही है जी। ठीक है जी, अब आपका लास्ट क्वेश्चन बच गया इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड एंड फाइंड द क्वाइटेंट एंड रिमाइंडर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऐसा ही है 4 जैसा कि सेम 2, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ये दोबारा दे दिया इन्होंने। ठीक है जी, तो आप इसे डिवाइड करेंगे, प्रैक्टिस में एक सेम एंड परफेक्ट। स्टूडेंट अगर आप ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उतनी ही अच्छी प्रकार आपको क्वेश्चन करने आ जाए। ठीक है जी, तो अब स्टूडेंट यहाँ क्या है, 1 है, ये 4 है, तो स्टूडेंट 14 भी अब उससे कम रह गए, अब 3 ऐड हो कर लिया, कितने हो गए स्टूडेंट 143 हो गए। तो स्टूडेंट हमेशा 9 तक ही चलते हैं, 10 जा हम कभी नहीं चलाते। ठीक है, तो 59 जा 135। स्टूडेंट अगर आपसे टेबल नहीं आता, पहले आप 15 का टेबल बना के लिख लें। ठीक है जी, अब स्टूडेंट यहाँ पर कितने बजे हो गए, 13 हो गए, 13 में से 5 गए 8, अब यहाँ इधर के दर्द चले गए, यहाँ भी 3 रह गए, यहाँ 0 होगी, यहाँ भी 0 होगी स्टूडेंट, 15 है ये 8 है। तो स्टूडेंट रिमाइंडर कम है डिवाइजर से, कम ही होना चाहिए, ब्रिंग डाउन कर लेंगे 8। तो स्टूडेंट अब कितनी चाहिए, कितनी बार चलाएंगे, 15 6 कितने हो जाएंगे जी, ये तो ज़्यादा हो जाएंगे भाई, 90 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 6 अधिक हो गए तो 5 जा चला लेंगे, 15 5 जा 75। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ 12 हो गए, 12 में से आपने 5 माइनस कर दिया, तो स्टूडेंट कितने बचेंगे, 12 में से आपने 5 माइनस कर दिया, तो स्टूडेंट कितने बचेंगे, 7। एक इधर चला गया, यहाँ 0 होगी, उतार लिया आपने, 0 प्रिंट डाउन कर लिए, कितने हो गए, 70 हो गए स्टूडेंट, और 15 4 जा 60। तो स्टूडेंट 10 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब स्टूडेंट मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरह पेपर में आता है आपका, या कोई भी इंसान आपको करने के लिए दे देता है, अब आपको ये नहीं पता कि ये क्वेश्चन आपका सही है गलत है, आपके पास आंसर शीट भी नहीं है, तो आप इसे कैसे देखें कि मेरा सवाल सही है। तो स्टूडेंट उसी का ही तरीका होता है वेरीफाई का, जैसे हमने अभी पिछले उसमें समझाया था आपको, अगर आप 9 5 4 मल्टीप्लाई 15 कर दें, यानी कि जो आंसर आया इससे डिवाइड किया, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट, है ना, और फिर जो रिमाइंडर है उसे ऐड कर दे, अगर ये आंसर आ गया तो सवाल सही है वरना गलत है। तो देख लेते हैं हमारा सवाल सही हुआ है या गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27 कैरी 2, और 5 9 जा 45 45 46 47।
स्टूडेंट वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम की सेम डिजिट आ जाएगी, फोर और सेवन कितना हो गया जी 11, अब यहाँ कितना हो गया जी 6, 5 और 1 6 और 7 13, 9 1 10 और 4 14। स्टूडेंट 10 ये था तो 23 4 1, तो देख लीजिए स्टूडेंट बिल्कुल सही आ गया। तो इस प्रकार अपने आंसर की जांच कर सकते हैं आप सभी डिवाइड के सवाल की, ठीक है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 7 कम है, ये 37 अधिक है, हमने 7 मिला लिया तो कितने हो गए 77 हो गए स्टूडेंट। तो 77 पे हम कितनी बार चलाएंगे, 2 जा चला लेंगे, 37 2 जा 74। अब स्टूडेंट 7 में से आप 4 माइनस कर लीजिए, 3 बच जाएंगे, अब 7 7 गए 0, ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 9, तो अब 1 जो चल जाएगी। अब स्टूडेंट कितने बच गए 2, यहाँ पे 0, अब 5 को ब्रिंग डाउन कर लिया आपने, 25 हो गए स्टूडेंट 25। देखो ब्रिंग डाउन करने के बाद भी टेबल अप्लाई नहीं हुआ तो आंसर में 1 0 ऐड करेंगे, अब ब्रिंग डाउन कर लेंगे कितना 9, तो स्टूडेंट कितना हो गए 259 हो गए। तो स्टूडेंट हम 7 जा चला लेंगे, 37 7 जा 259। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हो चुका है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, अगर ये आंसर आ जाए तो ठीक है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर नहीं है तो ऐड नहीं होगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सी, अब स्टूडेंट देखिए 89 से डिवाइड करना, आप पहले 80 का टेबल लिख लेंगे, उसके नीचे 9 का टेबल लिख लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 89 का टेबल आपका बहुत जल्दी बन जाएगा, मुश्किल से मुश्किल स्टूडेंट 37 में कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपसे ऐड करना आता है टेबल लिखना आता है, पहले 8 का टेबल लिख लीजिए, फिर उन सबका आगे 0 लगा लीजिए, 80 का तैयार हो जाएगा, 9 का आपसे आता ही है तो 9 का लिख के ऐड कर दीजिए। अब स्टूडेंट हमने 7 और मिला दिया, कितने हो गए स्टूडेंट 257 हो गए। तो स्टूडेंट अगर हम पूजा चला के देख लेंगे जी, 16 हो 3 जा चलाओगे तो अधिक हो जाएगा स्टूडेंट, तो 2 जा चला लीजिए, 2 9 जा 18 कैरी 1 16 और 1 17, ठीक है जी। अब यहाँ कितने हो गए 17 17 में से 8 गए 9, अब यहाँ रह गए थे कितने जी 4, यहाँ 14 हो गए, 14 में से 7 गए 7 और 1 में से 1 गए 0, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने ब्रिंग डाउन क्या कर लिया 2 कर लिया, तो स्टूडेंट अब आप कितनी बार चला कर देख लेंगे, 8 8 से 64 हो है ना, 9 से 72 हो जाएंगे, तो स्टूडेंट हम चला कर देख लेते हैं, 72 हो गए स्टूडेंट, 7 कैरी लग गए, 8 8 जा 64 और जी 64 और 7 71 0 8 0। अब क्या बचा आपके पास 3, तो आपने 3 को ब्रिंग डाउन कर लिया, कितने हो गए 803 हो गए स्टूडेंट। अब आप ये से अधिक हो गए तो कम तो चलने की नहीं, जब अधिक हो गए यहाँ 8 जाए इतने थे तो 9 जाए चलेगी स्टूडेंट, इस बात का भी ध्यान रखा करेंगे। तो 89 9 जा कितने हो गए जी, देखिए 9 9 जा 81 कैरी 8 और 9 9 जा 72 और कितने हो गए जी 80, तो स्टूडेंट 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब 12 से करिए, 12 2 जा 24 हो जाएंगे, 1 कैरी
और फाइव में से फोर के वन बच जाएंगे, ब्रिंग डाउन कर लेंगे टू, ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व, ट्वेल्व में से ट्वेल्व के जीरो, ब्रिंग डाउन कर लिया आपने टू, ब्रिंग डाउन होने के बाद भी टेबल अप्लाई नहीं होता तो आंसर में एक जीरो ऐड करेंगे और उतार लेंगे फोर, ब्रिंग डाउन कर लेंगे और ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर। ओके स्टूडेंट, ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वन है, ये 22 है, कम है, टू को और ऐड कर लेंगे 12 हो जाएंगे स्टूडेंट, 22 अब भी अधिक है तो 16 को और ऐड कर लेंगे 126 पर स्टूडेंट हम टेबल अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हम यहाँ 5 से चलाएंगे 22 5 जा 110 6 1 0 ब्रिंग डाउन कर लिया आपने फोर। ओके स्टूडेंट, अब आप 7 जा चला लेंगे 7 टू जा 14 और 115 तो 4 में से 4 गए 0 और 5 6 में से आपने 5 माइनस कर दिया 1 और 0। अब स्टूडेंट आपके पास क्या बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, तो स्टूडेंट आप 4 से चला रहे हैं 28 हो गए, यहाँ 11 हो गए स्टूडेंट, 11 में से आपने 8 माइनस कर दिया 3 रह गए, अब यहाँ 9 है, 9 में से आपने 8 माइनस कर दिया 1 रह गया, अब यहाँ पे 0। ओके स्टूडेंट, तो आपका यही आंसर आ गया, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका रिमाइंडर है। ओके स्टूडेंट, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये 2 है, 34 से कम है, 8 और ऐड कर लिया 28 हो गए स्टूडेंट, अब भी कम रह गया, अब 4 ऐड कर लिया 284 हो गए, तो अब हम 284 पे 34 का टेबल ऐड करके देख लेंगे। अगर हम 8 से चलावे 24 हो जाएंगे स्टूडेंट, 9 से चलावे 27 हो जाएंगे, तो स्टूडेंट हम इन्हें करके देख लेते हैं ना, तो 8 से चला कर देख लेते हैं, 8 4 जा 32 3 8 3 जा 24 और 3 27, 4 में से 2 माइनस कर दिया 2, 8 में से 7 माइनस कर दिया 1 और 0, तो स्टूडेंट 12 बचा, सही बच रहा बिल्कुल है ना। अब आप क्या करेंगे, 7 को ब्रिंग डाउन कर लेंगे स्टूडेंट है, अब आप 3 जा चला लेंगे 3 4 जा 12 कैरी 1 3 3 जा 9 और 1 10, तो स्टूडेंट 7 में से 2 माइनस कर दिए 5 और 2 में से 0 माइनस कर दिया 2 और 1 में से कर दिया तो जी 0। अब आपके पास क्या बच रहा है, ये 7 आपने यहाँ ब्रिंग डाउन कर लिया था, 2 यहाँ पे ब्रिंग डाउन कर लिया और 7 को आपने यहाँ पे ब्रिंग डाउन कर लिया 257 हो गए जी स्टूडेंट। अब आप कितनी बार चलाएंगे, अब आप इसे 7 जा चला लीजिए 7 8 7 4 जा 28 कैरी 2 और 7 3 जा 21 2 22 और 23, तो स्टूडेंट यहाँ कितना हो गए 17 में से 8 गए 9 और यहाँ रह गए थे जी 4 में से 3 गए 1 और 2 में से 2 गए 0, तो स्टूडेंट ये आपका रिमाइंडर आ गया और ये आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। अब आपका क्वेश्चन नंबर जी, तो स्टूडेंट अब आपको 47 से डिवाइड करना है, पहले 40 का टेबल लिख लीजिए, उसके नीचे आप 7 का टेबल लिख लेंगे तो स्टूडेंट आपका 47 का टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 59 है तो 1 जा ही चल जाएगी, रिमाइंडर 2 और 1 रिंग डाउन कर लेंगे 6, अब स्टूडेंट 2 जा चल जाएगी, 2 जा कितनी हो जाएगी 94 और माइनस कर लेंगे यहाँ पे 2
अब 12 में से आपने 9 माइनस कर देंगे 3 बच जाएगा स्टूडेंट, और ब्रिंग डाउन कर लेंगे आप 7, तो 327 हो जाएगा स्टूडेंट। अब आप सिक्सा चला लेंगे, सिक्सा कितनी हो जाएगी जी स्टूडेंट, 42 केरी 2 हो जाएगा जी, और जी 24 और 228, तो स्टूडेंट 7 है, 7 में से 2 माइनस कर दीजिए 5 रह जाएंगे, 8 रह जाएंगे, 12 में से 8 गए 4 रह जाएंगे, यहाँ 2 है, 2 में से 2 जाकर 0 रह जाएगी। अब स्टूडेंट अभी आपके पास 1 और बाकी है तो उसे आप यहाँ ब्रिंग डाउन कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब 9 जो चला लेंगे, 47 9 जा हो जाएंगे जी 423। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ हो गए कितने 11 में से आपको 3 माइनस कर देना, 8 बच जाएंगे, यहाँ रहेंगे कि 10 चले गए, यहाँ 4 रहेंगे, 4 में से 2 गए 2 और 4 में से 0 गए 0, तो स्टूडेंट 28 आपका रिमाइंडर आ जाएगा और 1269 आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 3 है, 58 से कम है, 2 और ऐड कर लिया 32 हो गए स्टूडेंट, अब भी कम है तो 6 और ऐड कर लिया 326 हो गए। ओके स्टूडेंट, तो 5 जो चला के देख लेते हैं स्टूडेंट, 58 5 290, तो स्टूडेंट 6 आ गए, यहाँ 12 हो जाएंगे स्टूडेंट, 12 में से 9 माइनस कर दिया आपको 3 बचेगा, यहाँ 2 रह गए, 2 में से 2 गए 0, अब स्टूडेंट यहाँ पे 4 आ गया है ना जी। अब 6 चला लेंगे, 58 6 348, अब स्टूडेंट यहाँ 14 हो गए, 14 में से 8 माइनस कर देंगे 6 बच जाएगा, यहाँ रह गए थे जी 5 में से 4 माइनस करके 1 रह जाएंगे और यहाँ पे 0। अब स्टूडेंट आपके पास क्या बच रहा है, 1 को आप यहाँ ब्रिंग डाउन कर लेंगे, 161 हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे 2 जा चला लेंगे, तो 58 2 जा कितने हो जाएंगे 116 हो जाएंगे, तो स्टूडेंट यहाँ 11 हो जाएंगे, 11 में 6 माइनस कर दिया 5 और यहाँ रह गए थे जी 5 में से 1 हो गए 4, तो स्टूडेंट ये आपका रिमाइंडर बचेगा और ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर प्लस करके अगर आपका डिवाइडेंट आ जाए तो आपका सवाल सही है, आप अपने आंसर की जांच कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार आपका जो ये एक्सरसाइज थी 7.1 वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, स्टूडेंट समझ सकते हैं। थैंक यू।